हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आरबीएसई बोर्ड ने ब्लूप्रिंट लॉन्च कर दिया था लास्ट मंथ, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही थी कि ब्लूप्रिंट को हमें समझना नहीं आ पा रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किन किन चैप्टर से क्या क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल किन से आने वाले हैं, ठीक है, डेरिवेशन किन से आने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे दो बातें शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर वन कि जो ब्लूप्रिंट है उसका एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, बहुत ही शॉर्ट में, मतलब बिना वीडियो को लंबा किए, बेवजह की बातें किए, नथिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, मैं आपको बच्चों बताऊंगा मेन मेन टॉपिक्स, मेन मेन ग्राफ्स, मेन मेन डायग्राम्स जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बच्चों बोर्ड पे जो लिखा है वो ध्यान दीजिए। जैसे कई बच्चों को दिक्कतें आ रही थी कि जैसे अवबोध, अभिव्यक्ति, ज्ञानोपयोग, ठीक है, इनका मतलब क्या है, मतलब ये किस कैटेगरी को शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये तो आपको पता है कि आपका बोर्ड का एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का नहीं होता है, ठीक है, वो 56 मार्क्स का होता है। उसमें 14 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल की तरफ से जाते हैं, और 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये आपको पता है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का हो जाएगा, पर जो मेन बोर्ड का एग्जाम होता है आपका वो कितने मार्क्स का होगा, 56 मार्क्स का होगा। यही पैटर्न आपके केमिस्ट्री में भी लागू होगा और बायोलॉजी में लागू होगा, ठीक है। आप ध्यान दो, अब बिना टाइम वेस्ट किए जरा गौर से देखो बोर्ड पे। नॉलेज, बच्चों नॉलेज का मतलब क्या है? जैसे आपने फिजिक्स को जब पढ़ा समझा तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, डायग्राम जो होते हैं उनसे हम समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो नॉलेज का मतलब बच्चों ये है कि इस कैटेगरी के अंदर आपसे किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन, फॉर्मूला, एक्सप्रेशन या लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अपवाह वेग क्या होता है, ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी डेफिनेशन। और फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एम्पियर्स लो जो है उसमें उसका जो एक्सप्रेशन है वो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मतलब आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। लॉजिकल क्वेश्चन भी फेमस है। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि कोई वायर है उसको हमने स्ट्रेच किया, खींचा, ठीक है, उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो उसके वजह से उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन डीप में नहीं होता है, ठीक है, वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, मतलब आपको कुछ डाटाज मिलेंगे, उनमें आपको चेक करना पड़ेगा फॉर्मूले में रिलेशन कैसे बनने वाला है, ठीक है। जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू में एच न्यू, तो न्यू कितना होगा, सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा और ई के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स हो गया, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, अवबोध जहां पे लिखा हुआ है उस पीडीएफ फाइल में बच्चों, उसके अंदर डेरिवेशन आते हैं। आप डेरिवेशन आपकी 20 मार्क्स तक के आएंगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे देखो अभिव्यक्ति का बच्चों मतलब ये होता है, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर टॉपिक्स को पढ़ा, फिर डेरिवेशन समझा, तो आपके माइंड में उस टॉपिक का जो एक सिनेरियो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब उस टॉपिक और उस डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है वो आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बच्चों आपके 12 मार्क्स के आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और बच्चों मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि किन किन चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, किन किन चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और बाकी अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर भी करना, ताकि सभी बच्चों को इसका प्रॉफिट हो पाए, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, लास्ट जो पोर्शन है वो है ज्ञान उपयोग मौलिकता, ठीक है, मतलब सॉरी मौलिकता स्लैश क्वेश्चन, मतलब क्रिएटिविटी और मोरलिटी। बच्चों देखो, आपने नोटिस किया होगा
अपनी एनसीईआरटी की बुक में कई जगह ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको अगर याद हो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है, गॉस लॉ के जो अनुप्रयोग है उनके अंदर हमारे पास 3 एप्लीकेशन थी, ठीक है। पहला कौन सा था हमारे पास? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। एक क्या था, एक प्लेन शीट हमारे पास चार्ज थी, उसमें भी ग्राफ थे। एक हमारे पास गोलीय कोष था, स्फेरिकल शेल था, उसमें भी ग्राफ थे। तो बच्चों इस वाले सेक्शन में आपसे किसी भी टॉपिक के बारे में, जो मेन मेन टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा, उन टॉपिक्स में से आपसे या तो आपसे क्या पूछेगा, ग्राफ पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा रे डायग्राम, किरण चित्र, जैसे प्रिज्म का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा जा सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और सर्किट डायग्राम को आपको पूछा जा सकता है, कोई सर्किट डायग्राम बनाइए। जैसे अगर आपने लॉजिक गेट्स को अगर अपन देखें तो लॉजिक गेट्स में एक्सोर गेट जो हमारे पास था, नॉर गेट था, ठीक है, उनके डायग्राम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का हमारे पास डायग्राम हो गया, जीनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, जीनर डायोड का वोल्टता नियामक के रूप में जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, वो हमसे पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा कि जो कैटेगरीज हमें गिवन थी इनका मतलब क्या होता है, इन कैटेगरीज में किन किन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चों ये फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के चैप्टर्स का जो डिटेल्स है वो मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे। देखो चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें 1 MCQ आएगा और इस 1 MCQ में टोटली चांस है या तो आपसे किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपसे पूछ लेगा डायमेंशंस, जैसे परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम की पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछ सकता है, ठीक है, या फिर कूलम्स लॉ के ऊपर जो वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में किए थे उन पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, ठीक है, तो नया फोर्स क्या होगा, या फिर नया फोर्स इनिशियल फोर्स के बीच में रेशियो क्या बनेगा, ठीक है। और एक देखो बच्चों डेफिनेशन आएगी 1 मार्क्स की। अब डेफिनेशन बच्चों देखो किसी पर भी आ सकती है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है फेमस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो 1 डेरिवेशन आएगा 2 मार्क्स का। तो देखो बच्चों 2 डेरिवेशन के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दो, नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डायपोल, ठीक है, द्विध्रुव पर बलागुण और कुल बल, उसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर हम यू कहें जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है जो बहुत ही फेमस है बच्चों, जैसे हमारे पास क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E = 2kλ/r, वो डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है। और एक जो होती है प्लेन शीट, ठीक है, चार्ज प्लेन शीट थी, E = σ/2ε0, ये दोनों क्वेश्चन जो बच्चे हैं ये बच्चों 2 मार्क्स के आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। या फिर अगर आपको ध्यान हो डायपोल एक्सिस जो होती है, डायपोल एक्सिस के ऊपर हमने निकाला था किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वही पॉसिबिलिटी यहां से बन जाती है, ठीक है। अब चलो चैप्टर नंबर 2 में लिखते हैं बच्चों। बच्चों इस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स पक्का आएगा, श्योर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो फैक्ट्स आपको लिखवाए थे मैंने नोट्स के अंदर उन पे क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समविभव पृष्ठ, तो उसका डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके ऊपर जो फैक्ट्स थे जैसे टोटल वर्क डन 0 होता है उसके ऊपर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसमें 1 मार्क्स का आ सकता है। और देखो बच्चों 1 न्यूमेरिकल आएगा 1 मार्क्स का, तो कोशिश करना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक कैपेसिटर, इन पे न्यूमेरिकल श्योरली आ सकता है, कंफर्म, ठीक है। और 1 MCQ अगेन देखो बच्चों 1 MCQ को भी आप प्रिपेयर करना फॉर द कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके पोटेंशियल सेक्शन के, ठीक है, संधारित्र की धारिता वाला जो है उसमें आ सकता है, श्योर है, कंफर्म। अब देखो चैप्टर नंबर 3 बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 1 MCQ पक्का आता है, ठीक है, आएगा आपका इस बार। 1 डेफिनेशन, अब देखो बच्चों डेफिनेशन उसमें बहुत सारी बनती है,
आपको पता है करंट डेंसिटी का आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी आता है। इलेक्ट्रिक सेल में जो थ्री डेफिनेशन थी, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इन पे डेफिनेशन आ सकती है। अब देखो बच्चों 1.5 मास का डेरिवेशन आएगा, तो आप समझ जाओ, या तो आपसे पूछेगा वो WSB व्हीटस्टोन ब्रिज कंफर्म है, या फिर आपसे पूछ लेगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी अगर हम देखें वर्किंग की केस के अंदर तो बहुत छोटा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, विभव मापी का जो प्रिंसिपल है वो भी हमारे पास 1.5 मार्क्स में आ सकता है विद डेरिवेशन, विद शॉर्ट डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों न्यूमेरिकल इसमें बोला गया है, 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, तो समझ जाओ न्यूमेरिकल एक तो हमारे पास किसका आता है, आई इक्वल टू किस पे, NaEVD पर, या फिर हमारे पास किस पे आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर आता है, ठीक है। मीटर ब्रिज पे भी न्यूमेरिकल जो है और आते हैं कितने मास के, 1.5 मास के, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप कर लेना, पर बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल श्योर है, तो बच्चों आप कोशिश करना कि F इक्वल टू QVB पर न्यूमेरिकल आप कंफर्म करना। ऐसे मेरे पास एक फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर F इक्वल टू कितना, IRB, जिन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं MCQ के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा आप भूल मत जाना। अब देखो 3 मार्क्स का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा जो जुड़ा हुआ होगा, मतलब बटा हुआ होगा 2 पार्ट्स में, 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स इसकी तरह, ठीक है। तो 1 मार्क्स में 1 डेफिनेशन। अब देखो बच्चों 1 डेफिनेशन जो है वो कौन कौन सी आती है वो ध्यान देना। एक तो आपसे पूछा जा सकता है किसको, स्टेट द एम्पियर्स लो, ठीक है, स्टेट द बायोस सावर्ट लो, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक आपसे पूछता है द लोरेंज फोर्स, ठीक है, द लोरेंज फोर्स पूछा जा सकता है। और 1 मास के अंदर बच्चों आपसे 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। और 2 मास का जो डेरिवेशन आएगा चैप्टर नंबर 4 से, तो आप समझ जाओ कि 2 मास का डेरिवेशन अगर है तो एक तो मेरे पास जो साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल होता है एक तो वो आता है, ठीक है। और एक बच्चों बहुत ही फेमस डेरिवेशन था, अगर आपको याद हो, हमारे पास 2 पैडल वायर्स थे, 2 पैडल वायर जिनसे करंट फ्लो हो रही थी I1 और I2, इनके बिटवीन जो हमने मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक फोर्स को, वो पक्का आता है, श्योर है। और इस 2 मास के डेरिवेशन में बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। वो डेरिवेशन भी बच्चों एवरग्रीन डेरिवेशन है इस चैप्टर का, तो कोशिश करना कि आप उसको भूलना मत किसी भी हाल में। और 1 मास की डेफिनेशन में बच्चों एक एम्पियर्स लो भी आप काउंट कर लेना पक्का, एम्पियर्स लो का स्टेटमेंट बहुत फेमस है, ठीक है। और 1 मास के अंदर आपको पता है सोलेनोइड का डेफिनेशन, टोरॉइड, ये आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। गैल्वेनोमीटर को बच्चों आप चाहो तो थोड़ा सा लाइटली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो इतना फेमस टॉपिक नहीं है। लेकिन जैसे मैं अगर बात करूं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। चलो बच्चों नेक्स्ट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। बच्चों इसमें देखो 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कोशिश करना कि आप उसको ठीक से थोड़ा सा पढ़ो प्रॉपरली, ठीक है। अर्थमैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और 1 MCQ बच्चों मुझे कंफर्म लग रहा है इस बार कि इसमें एंगल ऑफ डिप पे न्यूमेरिकल, एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो कुछ हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इसके बारे में भी एक MCQ बनाया जा सकता है फैक्ट्स बेस पे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें डेरिवेशन लिखा हुआ है, 1 डेरिवेशन आ सकता है, श्योर है। तो बच्चों याद करो हमारे पास एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन वेरियस मैग्नेटिक फिजिकल क्वालिटीज, ठीक है, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का, इसके ऊपर डेरिवेशन पक्का आ सकता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप पे न्यूमेरिकल हमने सीखा था BH = B cos डेल,
पीवी इक्वल टू में बी कॉस बी साइन टेन, तो उस पर कोई डेरिवेशन इतना फेमस नहीं है, पर बाकी इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस क्या है ज्यादा है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चों चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। ठीक है, 1 एमसीक्यू बच्चों कंफर्म आने वाला है, तो कोशिश करना बच्चों इसके ऊपर लेंज लो जो है लेंज लो की न्यूमेरिकल आप श्योर नहीं करना, एमसीक्यू में लेंज लो में न्यूमेरिकल बन सकता है श्योर है। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 शॉर्ट डेरिवेशन है, तो बच्चों थोड़ा जाओ फ्लैशबैक में, हमारे पास एक टॉपिक था एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड क्या कर रही है मूव कर रही है, तो उस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वो उसमें शॉर्ट लिया सकता है वन शॉर्ट डेरिवेशन में, या फिर आपसे इसमें आपका डेरिवेशन था शॉर्ट डेरिवेशन था मूविंग रोड, ठीक है सॉरी रोटेटिंग रोड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक रोड है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है रोटेट कर रही है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो वो पक्का श्योरली आ सकता है इसके अंदर। देखो बच्चों न्यूमेरिकल का कोई चांस नहीं है इसके अंदर इस बार है ना, लेकिन हालांकि मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा 1 एमसीक्यू जो मैंने अभी आपको बोला लेंज लो, तो लेंज लो पे थोड़ा सा देखना पक्का। ठीक है, बाकी देखो बच्चों 1 डायग्राम, देखो बच्चों डायग्राम का मतलब ये है कि इसमें कोई सर्किट डायग्राम या आपसे कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है, पर देखो आपको पता है चैप्टर 6 के अंदर जो ग्राफ है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारा एक टॉपिक था इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटिंग लूप रेक्टेंगुलर लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या हम यू कहें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, उसमें हमारे पास जो साइन वेव बनती है उसका डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फैराडेज लॉ जो था उसमें फैराडेज लॉ के अंदर हमारे पास फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ था, उसमें जो सर्किट डायग्राम था उसके बेस पे हम वर्किंग थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, वो भी इसमें आ सकता है श्योरली। ठीक है बच्चों, आगे देखो चैप्टर नंबर 7, देखो बच्चों चैप्टर नंबर 7 बहुत ही चैप्टर जो है शानदार चैप्टर है, ये नाम कहता है इसका एसी, ये बायोलॉजी के लिए सरदर्द है। ठीक है, अब देखो इसमें एमसीक्यू आने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट डेरिवेशन की तो इसमें हमें गिवन है। अब देखो बच्चों शॉर्ट डेरिवेशन का मतलब क्या है, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है श्योरली कि आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू के बीच में जो रिलेशन का जो डेरिवेशन था, जैसे मेरे पास आईआरएमएस कितना होता है आई नॉट अपॉन में कितना रूट टू, तो ये हमसे डिराइव वो करवा सकता है, या फिर मीन वैल्यू ऑफ एसी इन द फुल साइकिल और इन हाफ साइकिल वो हमसे करवा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और डेढ़ मास में बच्चों एक डेरिवेशन आने वाला है तो समझ जाओ, इसमें आप कोशिश करना कि आप एलसीआर सर्किट को कभी भूलना मत, एलसीआर सर्किट में अगर आपको याद हो रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जो हमारे पास इम्पीडेंस है प्रतिबाधा जेड उसका डेरिवेशन भी बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और जो हमारे पास एल सर्किट है, एल सर्किट ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू इसके सी सर्किट के, तो एल सर्किट ठीक से आप पढ़ लेना। अब देखो बच्चों न्यूमेरिकल आएगा 1.5 मार्क्स का, तो न्यूमेरिकल तो देखो बच्चों आपको करने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करना कि जब आप इस चैप्टर को पढ़े तो एक सिक्वेंस में पढ़ते हुए हर टॉपिक के ऊपर एक दो दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आप, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मेरा दिल बोलता है कि इस बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे न्यूमेरिकल पक्का आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे और एक इम्पीडेंस पे। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर पे न्यूमेरिकल के चांस रेयरली है, मुझे लगता नहीं इस पे न्यूमेरिकल इस बार बन सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8, तो देखो बच्चों सबसे स्मॉल चैप्टर आपका यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें देखो 1 एमसीक्यू आ रहा है, इसका देखो बच्चों मतलब क्या है कि 1 एमसीक्यू अगर ये है तो आप याद कीजिए कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जैसे किसी वेव की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको ऑप्शन में गिवन होगी, तो पूछ लेगा साहब इस वेव की एग्जैक्ट कोई प्रॉपर्टी हमारे बताओ। ठीक है, जैसे हमारे पास हर वेव की कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, तो उसके ऊपर उसका जो यूज होता है हर वेव का उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है, तो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी नोट्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, उसमें न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर इस पर आता है ए इक्वल टू में कितना बी सी, बी मतलब एंटी फील्ड, सी स्पीड ऑफ क्या है लाइट, और एक बच्चों कोशिश करना कि एग्जांपल में हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमें इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती थी, याद करो
ई वाई इक्वल टू बाई ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस में कितना के एक्स। तो न्यूमेरिकल में आपको ओमेगा गिवन था और के गिवन था, और उस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया था लैम्डा या फिर क्या फ्रिक्वेंसी, तो वैसे न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया अपना पूरा फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का। और बच्चों मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो ब्लू प्रिंट के बेस पे बताया है, ठीक है। अब मैं पार्ट टू के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में, ठीक है। देखो बच्चों, पार्ट टू में चैप्टर नंबर जो 9 है आप जनरल इसके अंदर और आएगा, और का मतलब दो क्वेश्चन होंगे उसमें, बीच में आपको चॉइस गिवन होगी, ठीक है। एक ऐसा ही चैप्टर कौन सा होगा, 14 होगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा और मिलेगा, ठीक है। अब देखो आगे हम शुरू करते हैं इसे। यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन आ रही है वन मार्क्स के अंदर, तो समझ जाओ किस डेफिनेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दो पक्का इसमें पूछे जा सकते हैं। एक लेंस पावर की डेफिनेशन भी इसमें पूछी जा सकती है, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है ऐसा। अब देखो 1.5 मास का एक न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, तो न्यूमेरिकल के लिए कोशिश करना आप लोग कि एक तो मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, और एक लेंस मिरर फॉर्मूला, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पक्का आते हैं, ठीक है। और 1.5 मास का एक डायग्राम या फिर एक थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो समझ जाओ बच्चों 1.5 मास का अगर ये है तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये आपसे पक्का पूछा जा सकता है श्योरली। अब देखो बच्चों बात करते हैं 2 मार्क्स का आएगा डेरिवेशन। तो बच्चों देखो 2 मार्क्स डेरिवेशन के अंदर आप एक तो मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ के जाना श्योरली, एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है, या हम यू कहें रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, वो भी डेरिवेशन 2 मार्क्स का आता रहता है, ठीक है। अब बच्चों देखो 1 मार्क्स का एक शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है, तो f = r/2 जो आपको पता है इस पे आ सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों चैप्टर नंबर 10 बच्चों, इसमें आपको फिल द ब्लैंक्स पक्का मिलेगा, क्या मिलेगा, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है, भूल मत जाना इस बात पे। देखो 1 एमसीक्यू है और 1 डेफिनेशन है, तो देखो बच्चों डेफिनेशन में आपसे पक्का पूछ सकता है क्या इंटरफेरेंस क्या होता है, हैगेन प्रिंसिपल क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। और 1.5 न्यूमेरिकल बच्चों मैं आपको अभी कह रहा हूँ इस चैप्टर में से आप चाहे न्यूमेरिकल अगर पूरे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास टाइम अगर कम है तो इंटेंसिटी पे न्यूमेरिकल आप कंफर्म करना, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब जैसे आपने न्यूमेरिकल अगर करके हैं बुक में तो आपको पता लग गया होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, इनके हमारे पास फॉर्मूलेज थे उनपे न्यूमेरिकल श्योरली आता है कंफर्म। अब आगे देखो बच्चों 1.5 मास का डेरिवेशन या फिर एक छोटी सी क्या थ्योरी आ सकती है, जैसे बच्चों आपको ध्यान हो हाइगेन थ्योरी के बेस पे हमें प्रूफ करना था किसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो वो एक शॉर्ट डेरिवेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। और यंग डबल स्लिट का जो डेरिवेशन है इसमें फ्रिंज विड्थ का, वो एक शॉर्ट मेथड में अगर हम डिराइव करें तो वो भी इसमें आ सकता है। अब देखो बच्चों ड्यूअल नेचर और एटॉमिक फिजिक्स और एक न्यूक्लियाई, देखो बच्चों ये तीनों चैप्टर क्या है, स्मॉल चैप्टर्स है, वैसे तो आपको इनको पूरा पढ़ना चाहिए कम्प्लीटली, पर फिर भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूअल नेचर में देखो बच्चों 1 एमसीक्यू है, तो समझ जाओ इस 1 एमसीक्यू में कंफर्म है फोटोन पे एक एमसीक्यू आपको पक्का मिलेगा श्योरली मिलेगा, ठीक है, या फिर डी ब्रोगली पे पक्का मिलेगा कंफर्म। आगे देखो 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों 1.5 मास का दिखा रहा है, ये 1.5 मास का दिखा रहा है, तो समझ जाओ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या हम यू कहें आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, उसका जो कंसेप्ट है वो पूरा इसमें पूछा जा सकता है, और एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो अगेन 1.5 मास का न्यूमेरिकल, तो बच्चों डी ब्रोगली पे न्यूमेरिकल आपको छोड़ने नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है, डी ब्रोगली पे न्यूमेरिकल पक्का आता है। जैसे अगर आपको ध्यान हो लैम्डा इक्वल टू में हमारे पास क्या था h/mv, जहां हम यू कहें h/mv कितना 2 mt का कितना स्क्वायर रूट, जहां पे k हमारे पास क्या था काइनेटिक एनर्जी था,
और इसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हमने क्या रखा था, 2 एम क्यू वी। तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं आरबीसी बोर्ड में, आपको ये बात भूलनी नहीं है, कंफर्म आएगा इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, आगे देखो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर 1.5 मास का डेरिवेशन आ रहा है। तो बच्चों समझ जाओ, एक तो रेडियस के ऊपर डेरिवेशन पक्का आता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर, और एक टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे पक्का डेरिवेशन आ सकता है, श्योर है। और 1.5 मास का न्यूमेरिकल दिखा रहा है बच्चों, तो अगेन आपको पता है लाइमन सीरीज, बच्चों लाइमन सीरीज, बामर सीरीज याद आया आपको, वे नंबर, उस पर बच्चों न्यूमेरिकल आप भूलना मत, कंफर्म आएंगे श्योर। और टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन ज्यादातर फेमस कौन सा है, स्पेक्ट्रल सीरीज वाले न्यूमेरिकल ज्यादा फेमस है आरबीसी बोर्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे देखो चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर फिजिक्स, या हम यू कहें न्यूक्लियाई। देखो बच्चों वन डेफिनेशन बोल रहा है, तो देखो बच्चों वन डेफिनेशन में डेफिनेशन बहुत सारी है, इसमें बहुत ही आसान आसान डेफिनेशन है, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन का जो कर्व है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। मास डिफेक्ट बहुत फेमस है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके लो का जो स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इनमें से फेमस कौन सा है बच्चों, अल्फा डिके है, उसके बाद में बीटा नेगेटिव डिके प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखो बच्चों बात करते हैं टू मास का एक शॉर्ट डेरिवेशन। तो बच्चों समझ जाओ, रेडियो एक्टिव डिके लो जो है, या फिर हम यू कहें हाफ लाइफ, इन दो पे डेरिवेशन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कंफर्म आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों चैप्टर 14 के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको आप पूरा पढ़ना प्लीज मेरे कहने पे, क्योंकि सिक्वेंस जो है बहुत ही शानदार है, अल्टीमेट है। पीएन डायोड की जो बायसिंग है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन डायोड, जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, फुल वे रेक्टिफायर, लॉजिक गेट्स में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, नैंड एंड नॉर, और एक जोर गेट। ठीक है, जिसका वैसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोर गेट बोलते हैं, याद आया कुछ, एक्सक्लूसिवली और गेट। तो ये बच्चों, तो चैप्टर 14 तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, इसमें 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, और इसमें वैसे भी 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो देखो बच्चों, उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्किल को अगर आपको ये अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, तो अपने क्लासमेट से शेयर करना। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट्स अगर आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मेरे बनाए हुए गैस पेपर्स या कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए फिजिक्स से जुड़ी हुई कोई भी हेल्प आपको पूछनी हो, लेनी हो, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।